25 to 30। हाँ जी, कवर मतलब वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्स्ट्रा नहीं कैसे। तो देखिए रिजल्ट लाना मेरे ऊपर है ना, मतलब हाँ शुरू किया। एक क्या स्ट्रॉन्ग थी वीक थी? वीक थी। ठीक है शुरू करो, बैठ जाते हो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। शुरू करें। इसकी क्वालिटी है तो ये क्या होगा, D6 ही होगा। और वीक फील्ड है तो वीक फील्ड में ये पेयर करता है या नहीं? नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 3D6 ऐसी रहेगा, पेयरिंग नहीं होगी। फिर बच्चे हमें डब्बे कितने चाहिए, हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। एम्प्टी ऑर्बिटल कितने चाहिए, कितने चाहिए स्टारम? 6 चाहिए। तो 6 कहां से पूरे होंगे? अगर हमारे पास 4s में एक ही है, 4p में तीन ही है, t3d2। अब हम क्या कहां से छठा डब्बा कहां से लाएंगे, पांचवा और छठा? 4d। तो हमने एक s का लिया, 3 p के और 2 d के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। पीछे क्यों लिए माधव? सर वो एक तो वीक फील्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर से देख के पता चलेगा। पीछे हाँ तो 6 लिए बाहर दिए। तो अब इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन पीछे छूट गए क्या? ये इस पे किसके आ जाएंगे, लिगेंड के आ जाएंगे। तो अनपेड किसके रह गए, 3D के। कितने रह गए, 4। तो ये लो स्पिन हुआ या हाई स्पिन? हाई स्पिन। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? यूजुअली वीक फील्ड लिगेंड पैरामैग्नेटिक बनाता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक सामने कोई है? कॉपी लेके सामने कर बैठ जाओ। कौन है? पैरामैग्नेटिक sp3d2। अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बाद लो स्पिन हाई स्पिन? हाई स्पिन। इनर ऑर्बिटल है या आउटर? आउटर। 4D यूज हुई। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक बार जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल ये बनाओ, निकल का NiCl4-2 बनाए। NiCl4-2 जल्दी से बनाए। सीएल स्ट्रॉन्गली वीक फील्ड,
निकल का टॉपिक नंबर 28 ऑब्जर्वेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर का काम होता है। तो दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो अब वीक फील्ड है तो पेयर भी नहीं करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग चार फाइब्रिलाइजेशन क्या हुई है ना, और एसपी थ्री होता टेट्राहेड्रल, इसमें इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल आईएन उसमें बोलते हैं तो पैरामैग्नेटिक और हाई पैरामैग्नेटिक और अगर मैग्नेटिक मोमेंट लगाना है तो वो म्यू इक्वल टू एन इनटू एन प्लस टू कंडक्टर बचे दो, ठीक है बोले। और इसकी यूनिट क्या होती है बोर मैग्नेट, हाँ बोलो। जिसमें भी अनपेयर रह जाएंगे वो हाई स्पिन होगा, हाँ ओके। निकल का एटॉमिक नंबर 28 तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 प्लस है तो निकल 2 प्लस में 4s2 में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आर्गन 3d8 बचेगा, कॉन्फिगरेशन निकाल लिया। नेक्स्ट कर सकते हैं प्लस NiCN4 2 माइनस फिर CFP भी चलेगा। iPad नीचे लॉक कर दिया ना, लॉक कर आएगी DSP2 योगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और DSP2 के साथ होती है स्क्वायर प्लस, क्या होती है समझ आया। अच्छा अगर हम बात करें तुझे मालूम क्लियर है, अच्छा अगर हम बात करें इस थ्योरी की लिमिटेशन पूछ लें सीधा सीधा कि बताओ इस थ्योरी में क्या कर बैठता है, मैग्नेटिक का डेटा देता है तो थोड़ा कम देता है
और देखो मैं बात सुनो, Ti3+ में D1 है ना, Ti4+ में नोबेलियम था, Scandium3+ में जाता था, Beryllium3+ में D2 है और Chromium3+ में D3 है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो वगैरह मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीस थ्री आयंस इज सिमिलर, व्हेन मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d फॉर ऑक्टेटल इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल एज अ कंसीक्वेंस ऑफ द हुंड रूल। तो कह रहे हैं जब D4 हो जाता है, D5 हो जाता है, D6 हो जाता है, तो उस केस में मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, क्योंकि जब तक D1 D2 D3 था तब तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं थे, पर उसके बाद पेयरिंग होगी या नहीं होगी उस चीज पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक नेचर ये वाली थ्योरी बता नहीं पाएगी क्योंकि इस थ्योरी में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में कुछ बोला ही नहीं। एक बात तो ये, हां बोल, ये जो दो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं अजम्पशंस है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एग्जांपल, एक पॉइंट है ठीक है। लेकिन अगर डीसी में लगा दे तो क्वेश्चन में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके होता है वो पेयर नहीं हो पाएगा। D3 में आ गए, अगर दो खाली ही है और SP3 D2 में और D2 SP3 में दो ही लेने हैं तो चौथे का पेयरिंग होगी। अगर सपोज किसी कॉम्प्लेक्स में D3 है ठीक है और स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है ठीक है तो भी पेयरिंग नहीं होती, ये बात याद रखना। तो 1 2 3 D3 है किसी कॉम्प्लेक्स में और स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है ठीक है, फिर भी हमारे पास दो डब्बे खाली है तो वो दो डब्बे खाली होने की वजह से पेयरिंग नहीं होती क्योंकि हमें दो चाहिए थे वो मिल रहे हैं तो फिर भी अकेले अकेले रहते हैं, तो ये भी चीज याद रखनी ठीक है। तो D1 D2 D3 तो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, आप बोलो फिर डाउट ठीक है। अब अगर हम बात करें अगर हम इसको क्या हम बता पा रहे हैं, सोचो ओरली देखो MnCn6T- के अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। अगर हम अब ओरली करें पीपीटी को, Mn का एटॉमिक नंबर Mn D5 होता है, तो सबको याद हो गया ठीक है। D5 होता है 2+ में, अभी ये 6 और ये 3, ये 3+ है ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये 3+ आएगा, तो D4 है ये क्या है D4। अच्छा अब अगर D4 में आएंगे तो और हमें बनाना क्या है ऑक्टाहेड्रल, तो उसके पास D4 माने यहाँ पे एक और। अब जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन आएगा तो एक पेयर हो जाएगा, क्या दूसरे को पेयर करने की जरूरत पड़ेगी, तो दो अनपेड फिर भी रहेंगे, समझ में आई बात। स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन आया ऐसा मतलब ये नहीं कि सारे पेयर होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन आया तो वही पेयर होंगे जितने हमें चाहिए थे, दो डब्बे चाहिए ना तो दो डब्बे ही मिलते हैं इससे। D2SP3 होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड में है ना, हमें अगर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं दोबारा धीरे धीरे समझाता हूँ, कह रहा हूँ अगर D4 है क्या है ठीक है, और हमें बनानी है हाइब्रिडाइजेशन D2SP3, क्या बनानी है तो D2SP3 में कितने D के ऑर्बिटल चाहिए, दो। तो स्ट्रॉन्ग फील होने पर एक तो ये होता कि चारों के चारों उधर चले जाते, पर गया क्या सिर्फ एक, क्योंकि दो तो मिल गए ना तुम्हें, जब तुम्हारे पूरे हो जाते हैं तो और पेयरिंग नहीं कराते, तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितने का रहेगा ठीक है। अदरवाइज अगर पेयरिंग पूरी होती तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 का रहता, पर ऐसा नहीं ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, वैसे इतने डिटेल में नहीं आएगा, उम्मीद है डायरेक्ट आएगा कि इसका BBT का इसका CFT का, इतना डिटेल में घुसने की अभी जरूरत नहीं है, अगर तुमने पहली बार कर लो। अच्छा ऐसे ही सबका मैग्नेटिक मोमेंट हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसका सिंगल है, इसका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते वक्त तुम्हें याद रखना है डेंटिसिटी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ग्रुप्स, ईएन की डेंटिसिटी क्या है 2 और डाइडेंटेट है और इसके नंबर क्या है 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, डब्बे 6 चाहिए और ऑक्सीडेशन नंबर CO का 3+ आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सेम मैसेज करते हैं ठीक है। बस इसके अंदर ये याद रखेंगे कि ये जो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है ही नहीं, सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे अभी कोर्स में, 4 और 6 ठीक है, और 6 क्योंकि 3 है और 2 डाइडेंटेट है तो 6। नेक्स्ट
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 9.10, द स्पिन ओनली 90 मोमेंट ऑफ MnBr4- इज प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ दिस फॉर्म। अगर सपोज तुम ब्रोमीन याद ही नहीं करके आए कि वो स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड है और तुम मॉर्फो आ जाएगा, हां तो तुम फंस जाओगे। तो इसका हम डायरेक्ट Bm से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम ये फार्मूला याद है, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है, n n 2 is मैग्नेटिक मोमेंट है ना। तो अगर इसमें 1 डाल दो तो 1 डाल के क्या आएगी, अंडर रूट 3, 1.73 है ना, इक्वल कर सकते हैं। पर इक्वल करने से सॉरी, पर ये वैल्यू याद कर लो तो जल्दी होगा। अगर इनटू 2+4 6, √6, √2 इनटू √3 कुछ वैल्यूज है, ऐसे करते जाएंगे तो ये 5 के बराबर आएगा। दो तीन वैल्यूज है अचानक, अगर तुम याद करना चाहो तो तुम याद करके जा सकते हो। 5 तक करनी है ना, D5 तक, तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इस फॉर्मूले में हम इसको 5.9 की इक्वल रख रहे हैं, ये बात सच है, ठीक है। तुम इसको ऐसे कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसे हमारा जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि इसके अंदर n की वैल्यू आ जाएगी 5। अच्छा अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या पेयरिंग हुई होगी या नहीं, नहीं हुई। अगर 5 d5 होता है ना, और d5 में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन रह गए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बाहर वाले से ली जाएगी, तो sp3 होगा या dsp2। sp3 क्योंकि dsp2 में तो अंदर वाला d लेना पड़ता है, अंदर वाला d तो खाली नहीं होगा क्योंकि 5 अनपेड है। समझ में आ रही बात, सीधा हम गेस करते हैं कि sp3 है। दोबारा बता सकता हूं, क्लियर है नितांश। नेक्स्ट, अच्छा वीपी थ्योरी की ये कुछ डिसएडवांटेजेस, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशन, ठीक है। ये कोई मैग्नेटिक डेटा का ढंग से इंटरप्रिटेशन नहीं देगा, क्योंकि पहली बात जो भी हम मैग्नेटिक डेटा पता लगा रहे हैं वो हम वीपी वो सीएफटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड इसके लिए बता रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें वो बोल दूं कि इसके अंदर डी जैसे मैग्नेटिक सजाओं में मतलब पेयरिंग होगी कभी नहीं होगी, वो सब चीजें तब देख के पता चलाता है जब हम बोल रहे वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, राइट। और इसने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में कुछ डिस्टिंग्विशन दिया ही नहीं थ्योरी, तो मैग्नेटिक डेटा का कुछ आइडिया लग नहीं सकता भी, ठीक है ना। कलर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो कलर, मैग्नेटिक डेटा, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये दो पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी स्टेबिलिटी के बारे में भी ये नहीं बता, ठीक है, और ये भी नहीं बता कि कब sp2, कब टेट्राहेड्रल, sp3 डेड, ठीक है। अच्छा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स को सॉल्व करते थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीवीटी क्लियर है सबको, yes। तो सीएफटी समझते हैं। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ये डी जनरेट होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी जनरेट, डीजनरेट का मतलब होता है दे ऑल आर ऑफ सेम एनर्जी, क्या है, सेम एनर्जी। अच्छा जब हम जब लिगेंड आता है इसके पास तो ये थोड़ी सी इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब इनकी एनर्जी बढ़ती है तो ये लिगेंड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डी के होते हैं DXY, DYZ, DZX, जो रहते हैं प्लेन में, किसमें रहते हैं, प्लेन में। DXY प्लेन में रहता है, DYZ प्लेन में रहता है, DZX प्लेन में रहता है, और दो एक्सेस पे रहते हैं, DX2Y2 वाला और DZ2, ये वाले रहते हैं एक्सेस। तो डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लिगेंड ये स्प्लिट हो जाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे और 2 ऊपर जाते हैं, यानी दो एक्सेस वाले ऊपर, तो DX2Y2 जाएगा और डी जैसे बिहेव करते हैं और एक्सिस वाले एक जैसे। तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे जो जाते हैं इनको बोलते हैं T2G, और जो ऊपर जाते हैं ये बोलते हैं EG, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा, दो हमारे कोर्स में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग पैटर्न उल्टा होता है, यानी कि एक्सिस वाले नीचे होते हैं और प्लेन वाले ऊपर, इनके बीच में जो एनर्जी का बैक पूरा गैप होता है इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। और स्प्लिटिंग एनर्जी ये जितनी पहले इनकी ओरिजिनल एनर्जी थी, जो दो ऊपर जाते हैं वो 3/5 से ऊपर जाते हैं और जो नीचे जाते हैं वो 2/5 से नीचे जाते हैं,
ऑफ द स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, इसको बैरी सेंटर बोलते हैं, जो ओवरऑल एनर्जी पहले थी ओरिजिनल, ये एनर्जी को बोलते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। अब बात यह है, जैसे सपोज हमारे पास डी फोर होता, क्या होता डी फोर, ये डी फोर कहते चलेगा कंफिग्रेशन से, कि उसकी कंफिग्रेशन निकाली और उसमें से दो तीन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर सिलेक्ट करने, पीपीटी में कहना बिल्कुल से। तो डी फोर में एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन यहाँ तक डी फोर में रहे। इसके बाद हमेशा ऑफ बो रूल फॉलो होता है, ऑफ बो होता है कि लोअर एनर्जी पहले फिल होती है और हायर बाद, तो लोअर में पहले जाएंगे एक दो तीन, अब हायर में जा सकते हैं या फेयर कर सकते, ठीक है। तो इस थ्योरी ने साफ साफ बताया कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो पेयरिंग होगी, जो भी कंजूसी से करना है वो काम होगा, तो पेयरिंग में काम कैसे लगा रहे हैं तो पेयरिंग होगी, और अगर और स्प्लिटिंग में कम पैसे लग रहे हैं तो स्प्लिटिंग। दोबारा बता दो, यहां से देखो डी के डी ऑर्बिटल होता है ऐसे 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 तीन दिखते हैं, ये तीन होते हैं एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्स, ठीक है। अगर मैं प्लेन चेंज कर दूं वाई जेड और जेड एक्स, तो तीन ऐसे दिखते हैं और दो ऐसे दिखते हैं, एक एक्स एक्सिस में होता है और एक वाई होता है डी एक्स स्क्वायर वाई, और एक दिखता है जेड एक्स, ये होता है डी जेड, ठीक है। जो दो तीन प्लेन जैसे प्लेन वाले होते हैं, ये मतलब ये सब प्लेन के बीच में आ रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के बीच में है ना, ये एक्स और वाई प्लेन के बीच में, तो ऐसे तीन होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड, तो तीन प्लेन वाले एक जैसे बिहेव करते हैं और दो एक्सिस वाले जो एक्सिस के बीचों बीच है वो वाले एक जैसे बिहेव करते हैं, ये वाली बात क्लियर है। अब रिपल्शन यहाँ पर एक्सिस पे बढ़ सकती है या प्लेन पे, ठीक है। तो जिस केस में प्लेन पे एक्सिस पे रिपल्शन बढ़ती है तो रिपल्शन से एक्सिस की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी दो की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और प्लेन वालों की एनर्जी उतना ही कम हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी तो उतनी रहेगी जितनी ओवरऑल थी, तो जितना वो ऊपर जाए उतना ही वो नीचे जाए, ठीक है। तो अब पॉइंट इज दिस, जितना ही स्प्लिट होते हैं ये कहलाती है स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या कहलाती है, और स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन लिगेंड, इस पे डिपेंड करती है लिगेंड पे, यानी मेटल पे डिपेंड नहीं करती, कौन सा लिगेंड है उस पे डिपेंड। जैसे अगर मैं बोलूं CO NH3 whole 6 plus, तो इसकी जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी का बैरियर है T2G और EG जो है ये ज्यादा दूर है, और जो अगर हम यहाँ पे सपोज होता, इससे पहले हमने डी फिल किया था F, सपोज F6, तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, ठीक है। ये वाली बात किस पे डिपेंड करती है, अब जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो वो स्ट्रांग होगा, क्या होगा स्ट्रांग होगा, तो जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या बोलते हैं, और जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो पेयरिंग हो जाती है, मतलब अब चार इलेक्ट्रॉन देना तो चौथा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड में नीचे जाएगा और वीक फील्ड लिगेंड में एक दो तीन चौथा ऊपर जाएगा, तो ये काम वही हो जाएगा जो हमने डीबीटी में किया। डीबीटी में क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो पेयरिंग कर देते थे, यहाँ पे भी पेयरिंग होते थे, और अगर वो वीक फील्ड होता एफ तो वो कहाँ चला जाता था, वो पेयरिंग नहीं होती थी तो वो ऊपर ही रहेंगे टोटल। तुम इसको अगर सोचो डी ये पूरा ऐसे ही है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हो जाती थी और वीक फील्ड में पेयरिंग, डीबीटी में ये हो रहा है सीएफटी में, क्लियर। तो बना लो प्लीज एक बार बना लो पूरी वीक को, सिचुएशन आप उससे
अगर सेंडिंग का ऑप्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन रख और जीरो छोड़ दो तो वो क्या करेगा? जीरो छोड़ेगा तो दो में रहेगा क्योंकि उसके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन छूटने की स्टेबिलिटी आ रही है तो वो एक रख लेगा प्लस टू में जाएगा ये सीधा प्लस ठीक है। अच्छा हाँ मैं बना लिया था बना अच्छा अगर टेट्राहेड्रल होता तो बस त्रिभुजी नीचे नीचे तीन और ऊपर नीचे दो और ऊपर तीन ये कर रहा क्वेश्चन करा ठीक है। सर उसमें कैसे होगा मतलब ये पेयरिंग वैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे और वीक फील्ड है तो ऊपर जिसमें लोड है हाँ वीक नीचे। अच्छा तो ये स्टैटिक एनर्जी के बेसिस पे ही हमने पता लगाया है। अच्छा एक चीज ये याद रखना ये बिल्कुल सही पहले भव्या मुझे कह रही थी ये चीज याद रखना उसमें जीन ही लगाते हैं ठीक है इसमें जी उसमें लेकिन सिमेट्री होती है यानी कि स्क्वायर प्लानर और ऑक्टेट यू और ई होगा तो ई नीचे और डी यू हाँ स्क्वायर प्लानर वैसे ही आने का बोर्ड से पोटेंशियल एनर्जी तो ऑक्टेट में टी टू जी ई जी लिखते हैं और टेट्राहेड्रल में टी टू और ई लिखते हैं ठीक है। जी नहीं डालते क्योंकि जी सिमेट्री पे डिपेंड करता है जो जो देखो स्क्वायर प्लेन है स्क्वायर स्क्वायर सिमेट्रिक है और वो भी सिमेट्रिक है ऑक्टाहेड्रल ठीक है बट टेट्राहेड्रल इतना सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए उसके अंदर जी नहीं। अच्छा कलर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कलर ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है और कलर के मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे कल ठीक है वही क्वेश्चन याद करते हैं पूरे एक ही लाइन से क्वेश्चन बने हुए कैसे एक्सप्लेन करता है। पहला क्वेश्चन है अगर तुमने नहीं किया था कल लिख लो TiH2O6 is violet in color by पहला क्वेश्चन ये आता है TiH2O6 3 plus is violet in color by देखो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से TiH2O6 3 plus is violet in color ठीक है तो इसके अंदर क्या करेंगे सेम हम CFC करेंगे हम क्या करेंगे अच्छा टाइटेनियम कहाँ पे शक्ति विकर्मन में D2 यानी अच्छा और इसके ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 प्लस ये तो 0 है तो 3 प्लस यानी आर्गन 4s2 से निकल के और 3d1 हो गया क्या हो गया 3d1 अच्छा 3d1 है। अब मैं सीधा स्प्लिटिंग ना करूं मैं बस ये सोचूं ये ऑक्टेट्रेट में T2g नीचे और Eg तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन लगाना चाहो तो D1 है तो उसमें कोई सोच रहे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड है ना तो पहला इलेक्ट्रॉन तो T2G में जाता चौथे पे आती है ना बात तो चौथा ऊपर जाएगा चौथे नीचे जाएगा
टाइटेनियम 3D1 है तो इसका अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कुप्रिस कॉम्प्लेक्स इज T2G1 Eg0। देखिए ये बात क्लियर। जब हम इसको देते हैं एच न्यू यानी विजिबल लाइट, हाँ माना जब हम इसे देते हैं विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट लेकर क्योंकि इसके पास ऊपर जाने का रास्ता है तो ये एक्साइट हो जाता है, क्या होता है तो ये T2G1 से Eg1 हो जाता है T2G0, इट बिकम T2G0 Eg। तो दैट मीन अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो तो मैं ऐसे डब्बे बना के एक्सप्लेन कर देना कि एच न्यू ने अब्सॉर्ब किया और इसकी वजह से हाँ क्या वो Eg T2G में चला गया। अब इसने कुछ कलर को एब्सॉर्ब किया, इसने क्या किया कलर को एब्सॉर्ब दोबारा। देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट क्लास केमिस्ट्री में हमने बहुत बार पढ़ा है कि कलर्स क्यों आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और कुछ कलर को एब्सॉर्ब कर जाते हैं। नंबर यहाँ पे है TI, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D उसको अगर हम स्प्लिट करें तो नीचे कितने जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल, नीचे ये तीन और ऊपर ठीक है। अच्छा 3D1 है तो इलेक्ट्रॉन Eg में 1 और Eg में, तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में है T2G1 Eg। अच्छा जब हम इसको विजिबल लाइट देते हैं, जब इसको नॉर्मल लाइट पड़ती है, नॉर्मल लाइट होती है और उसकी एनर्जी होती है H2, क्या होती है H, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऊपर जाने की जगह मिल जाती होती है स्प्लिटिंग की वजह से, तो ये नीचे से कहां जाता है ऊपर जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, यही बात हमने, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन T2G1 Eg0 से हो जाएगी बोर्ड के लिए कोई नहीं पूछता कि कौन सा किसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, पर येलो इस क्वेश्चन के लिए हम याद रख सकते हैं येलो एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है एब्जॉर्ब, तो इसीलिए बाकी बचे कलर, अगर सपोज मैं सारी लाइट दे उसमें से ब्लू रख लूं तो रेड दिखेगा, क्या दिखेगा एक ब्लू रीजन होता है, रीजन होता है, अगर मैं रेड रखूं तो ब्लू दिखेगा, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ ब्लू, ब्लू का क्या हुआ ऐसे ही। ये समझते हुए अगर मैं येलो निकाल लेता हूँ, येलो एब्जॉर्ब कर लेता हूँ एक्साइटेशन के लिए, तो मुझे कलर क्या दिखता है वाइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, तुम बोलोगे इन दिस केस द कॉन्फ़िगरेशन इज T2G1 Eg0 विद एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन, it becomes C2T0 Eg1 and complementary color is the violet which is seen in this compound. Here a question and answer. Next. अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो हीटिंग पे क्वेश्चन आएगा, ऑन हीटिंग TiH2O6+ become colorless, लिखो क्वेश्चन, जिसने नहीं लिखे है वो लिख ले, TiH2O6Cl3 on heating become colorless, kya ho jata hai heating to answer H2O to colorless, ye wahi complex hai, abhi humne jo kiya wo aaya na, to ye complex kaun se color karta hai white, par heat karne pe white lagta hai lithium se uth jata hai, heat karenge to ho jayega pani, aur pani to ligand hai, pani kya hai aur ligand se to splitting ho rahi hai, splitting मेटल से हो रही थी या नहीं रहेगा तो प्लेटिनियम को लेने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं तो कलर जॉब नहीं करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं दिखेगा, समझ में आएगा इसका रीजन क्या लिखोगे। अच्छा दूसरी बात कॉपर सल्फेट, इसका रीजन लिखोगे सिंस नो प्लेटिंग तो सो इट अपीयर्स व्हाइट, CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का होता है, क्वेश्चन में बात कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ऐसा होता है कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसका फॉर्मूला बनाने के लिए तुम उसके अंदर चार लिगेंड वाटर के डाल दो तो क्या हो गए
और SO4 और एक वाटर मॉलिक्यूल बच गया, ये असली फॉर्मूला हुआ किसका, कॉपर सल्फेट। ठीक है, वो बोल रहे हैं ब्लू सल्फेट है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। लिगेंड है तो स्प्लिटिंग है, लिगेंड है क्या लिगेंड है, हम H2 लिगेंड है, कॉपर सल्फेट 5H2 इज क्वेश्चन में ये गिवन होगा, हम ये लिखेंगे CH4 5H2 इज ब्लू इन कलर, रीजन H2 is a ligand which excites the electron, as a result complementary color is C. अच्छा फिर कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट इन कलर, वाइट वाटर नहीं है, लिगेंड नहीं है, स्प्लिटिंग नहीं है, तो रेड कलर नहीं है। समझ आया? हाँ खुशी, क्लियर। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन आता है, देखो वो कह रहा है कि ये वाला ग्रीन है, ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन है, इसमें ईएन डालते हैं तो ये पेल ब्लू हो जाता है, पेल ब्लू में हम क्या डालते हैं और ईएन डालते हैं तो ये पर्पल हो जाता है, पर्पल में और ईएन डालते हैं तो ये वॉयलेट हो जाता है। देखो पहले H2 वीक फील्ड था, क्या था, है ना, और ईएन क्या है, ठीक है। अच्छा जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर होती है, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज इक्वल टू स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन लेता है ना ऊपर जाने के लिए, और HU इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो जैसे ही स्प्लिटिंग बढ़ेगी, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन लगाया, क्या लगाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन लगाया, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर EN डालने से स्प्लिटिंग बढ़ी जा रही है तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो अगर हम देखें पहले उसका कलर क्या था, फर्स्ट वाले का ग्रीन, फिर वो किस पे जाया, ब्लू पे, फिर पर्पल पे, और फिर वायलेट। समझ आया, एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो मैं बताना पड़ेगा कि ये कहते वो वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल टर्म से, क्या एज द लिगेंड चेंजेस, लिगेंड चेंज हो रहा है हर केस में, स्प्लिटिंग चेंजेस, स्प्लिटिंग एनर्जी चेंजेस, सो वेवलेंथ एब्जॉर्ब चेंजेस। पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि किस साइड शिफ्ट होगा तो भी मैं गेस कर सकता हूँ, कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड हो तो रेड की तरफ और वीक से स्ट्रॉन्ग हो रहा हो तो ब्लू की तरफ, हाँ वायलेट की तरफ, ब्लू से ब्लू तरफ, ब्लू आई। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट कलर के तो ये सारे हो गए, ठीक है। अब हमारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है पर वो खास नहीं है, छोड़ सकते, इसकी आगे लिगेंड फील्ड थ्योरी आएगी बाद में पढ़ेंगे वही, इसकी हाँ जब तुम आगे केमिस्ट्री लोगे तो एनायनिक लिगेंड नहीं जी में नहीं। अच्छा अब हाउएवर फ्रॉम एडप्शन अदर लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस। अच्छा एक लिमिटेशन खास ये है, अगर हम बोल रहे हैं कि सब कुछ स्प्लिटिंग पे ही फर्क, स्प्लिटिंग पे ही असर डाल देता है, स्प्लिटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अगर स्प्लिटिंग इम्पोर्टेंट है तो नेगेटिव वालों की फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है, जो फील्ड स्प्लिटिंग है वो किसकी ज्यादा है, न्यूट्रल लिगेंड की, CO की सबसे ज्यादा है, EN की, NH3 की, जबकि वो तो चार्ज ही नहीं है, है ना, तो ये वाली बात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं लगता, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट
अभी क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या जवाब दोगे, करो हो तो जाता है कोऑर्डिनेशन, जब क्वेश्चन आता है तब पता चलता है कि भाई क्या, ऐसे तो हो जाती कहानी तो सुन ली जाती तो तुझे क्या करना है, कहां से छुपा जाता है, बीबीटी हो गया ना, चार स्टेप्स ही से तो ये तुझे करना पड़ेगा, कब बनेगा आज तो अभी पढ़ाओ, दोबारा समझाओ या नहीं पढ़ा दूं, तो मैं करा दूंगा आगे पढ़ा दूं। अच्छा NICL 4 जो वीक फील्ड है, हां इसको जल्दी जल्दी करके लिखा देंगे ना, बस कॉन्फिगरेशन लिख देंगे, अगर तुम्हारे पास नंबर कम है ना टाइम कम, तो सीधा कॉन्फिगरेशन टी टू जी के ई जी ए टी टू जी के ठीक है। और वैसे भी वीबीटी था, तो वीबीटी में दो तुम बॉक्सेस बनाओगे, अगर तीन नंबर का तो बनाओगे ठीक है, तीन नंबर का तो बनाना है, सब कुछ करना है, तीन नंबर दे तो पूरा पेज पूरी जान दे दो ठीक है, पर अगर वो एक नंबर का है तो थोड़ा सा सोच सकते हो, दो में तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, लो स्पिन होगा या हाई स्पिन, हाई स्पिन और NiCO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिखे थे NiCO, CO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड, डायमैग्नेटिक वो होगा DSP2 और होगा SP3। अच्छा इसके अंदर FeH2O is strongly paramagnetic ठीक है, अभी तक कहानी ये भी सही लग रही है कि भी weak field है, paramagnetic होना चाहिए, और ये paramagnetic ये weakly paramagnetic हुआ, इसको देखो सॉल्व करो, ये strong field है ना, diamagnetic होना चाहिए, देखो क्या हुआ, इसको सॉल्व करो बस, इसको लेकर FeCN6 तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, हाँ देखो ठीक है, एक बच गया इसमें, कब तक समझाऊं खुशी। अच्छा नेक्स्ट CONH3 इज इन ऑर्बिटल, दिस इज आउट ऑफ एबीजी पे, क्यों दोनों स्ट्रांग फील है, तो ये इनर ऑर्बिटल क्यों और ये आउटर ऑर्बिटल, करो बना के देखो, सर वो तो मैटर पे डिपेंड करता है, पर अभी क्या क्यों हो रहा है सोचो, सॉल्व करो, तो मैं बता सकता हूं
मेटल पे इसलिए डिपेंड करेगा अगर ऑर्बिट खाली नहीं होगी केस तो देखो हो गया अच्छा इधर ही तो बोला है भैया उधर बोले क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ अरे ये इधर क्यों ये आउटर क्यों ये पूछ रहा हूँ बोलो बोलो क्या था क्योंकि सीओ वाले में जो डी क्लास के दो डी एम्प्टी हो जाएंगे और डीकर वाले में सिर्फ और सिर्फ एक डी एम्प्टी बचेगा डी टू एस थ्री ये तो एक्सप्लेन है इसको बोला ना ये वाला क्योंकि इस वाले में एक डी एम्प्टी डी ऑर्बिटल बचता है इसमें एक बचेगा और हमें दो चाहिए तो एक तो हमें बाहर ही लेना पड़ेगा एक डी से काम नहीं तो फिर हम कितने स्प्लिटिंग करेंगे बाहर लेना पड़ेगा दोनों बाहर ही या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर उसमें लिखा है रिलेटेड लिखा होने में जैसे टॉपिक का सही है ना दो दिन वाले पर ये लिखने में आ रहा है तो है जो लिखने में भैया आपको जो लिखने के लिए लिखते हैं हम वो कर पाएंगे आई वो तो देखते हैं सिनेटिक बॉन्ड की वीडियो को इस पे आई ठीक है सर दो दिन में पेपर से देखो तुम्हारा साथ कोई ऐसा क्या सीखा वहीं से लगाया था आईपैड वाला ऊपर ही है वो जहाँ पढ़ता है ना पर्दे के पीछे चल गया चलो देख लेते हैं अरे ठीक है तो एक सेकंड रुको और बताओ एक्टिनोइड भी लिखा है सर तुम्हारा उधर एक्टिनोइड कटा हुआ सर ये गलत है ऐसा सर ऐसे तो प्रिपरेशन है कॉम्पिटिटिव कवर कॉपी कटा हुआ है भाई क्या इंटेलिजेंट टॉपिक है क्या सर आपने लेटर आने वाला भी कर दिया अरे सर ये कटा हुआ है टेबल को भी कहां आ रहा है हां आप इधर आने वाला डॉक्टर 20 वैसे ही बोल रहा है 20 तुम्हारा क्या है यही खुला है टर्म वन और टर्म टू भी नहीं है ये टर्म टू भी नहीं था
121 22 सेशन पक्का हां 22 कर रहे हैं ये सब ड्रॉप करवा दो आगे गलती हो रहा है तो ये क्या सिलेबस क्या लिखा है इसका मतलब है कि आ रहे हैं जमुना में पढ़ लो ना आप सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं इससे को तो तुम्हारा टर्म वन टर्म टू कहां गया चलो टाइम वेस्ट करने की बजाय पढ़ लेते हैं चलो सही है चलो यहाँ डीएनए ब्लॉक में लैंथेनॉइड है ठीक है कोऑर्डिनेशन में डीबीटी सीएफटी लिखा है ना सिलेबस हां ये सब आ रहे हैं ना तो सर जी फुल स्टॉप ये अपन बॉडी मेट्रिक आपने बोलो कराओ बॉन्डिंग लिखा ना वो बॉन्डिंग का चलो कर लो लास्ट एक टॉपिक ही तो है और सर फिर मेटल का आपने लिखो मेटल वैसे यूजुअली अपना 3D यूज करता है क्या यूज करता है 3D पर आप मेटल जब अपना 3D यूज करता है उसके साथ यूजुअली वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ किसके साथ लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है किसके होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो ये वाला बॉन्ड है दो न्यूक्लियस के बीच होता है ये सिग्मा बॉन्ड ठीक है पर कार्बन आयन में कुछ अलग होता है कार्बन आयन अपना पी ऑर्बिटल भी यूज करता है और पी ऑर्बिटल यूज करके ये यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनाता है तो कार्बन आयन की बात याद रखनी है कार्बन आयन में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन लिगेंड गिव्स इट्स लोन पेयर टू ठीक है So, sigma is formed when metal gives lone, ligand gives lone pair to metal. Okay, a pi bond is formed when metal puts its lone pair into the empty pi star antibonding. अभी इस बात याद करो तुम लोग ठीक है तुम्हारे लिए बहुत दूर हो चुका है ये pi bond कब बनता है जब वो metal अपना lone pair डालता है pi star यानी कि pi antibonding ऑर्बिटल में ठीक है ऐसे बॉन्ड में दोनों का फायदा हो रहा है क्योंकि मेटल भी कुछ दे रहा है और वो भी कुछ दे रहा है दोनों एक दूसरे को फायदा हो रहा है तो ऐसा बॉन्ड साइनर्जिक बॉन्ड कहलाता है एंड दिस इज मोर स्टेबल ठीक है ठीक है इसी तरीके से चिलेट इफेक्ट होता है चिलेट इफेक्ट होता है कि अगर कोई मेटल को दो डेंसिटी किसी की दो क्या हो डेंसिटी टू हो जैसे ईएन की ऑक्सीलेटो की तो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि रिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल यूनिडेंटेट वाले अगर यूनिडेंटेट और डाइडेंटेट में से डाइडेंट नहीं सिनर्जी का कार्बन आयन ठीक है हाँ क्लोज रिंग बोलो क्लियर है यहाँ तक अब बॉन्डिंग वो पर अपना सिबिलिटी कल छोटा सा टॉपिक है अगर वो भी छोड़ना है अब सर्विस क्लेम कर रहा है सर्विस क्लेम करना है करेश वो नेम वाले ऑपरेशन नंबर है नेम लिखा था ये इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है ठीक है बोलो सीएफटी दो
चलो यहां दोनों कर सीएफटी जो ज्यादा सीएफटी 3 मार्क्स का आ रहा है सीएफटी का भी तो कराए थे मां जी मुझे बता दे मेरे को 3 मार्क्स निशान का इलेक्ट्रॉन का कराना चलो बाद में चलो सबमिशन स्टार्ट करें। हाँ तो कुछ पूछ रही थी बगल सर मेरा फोन ऑफ हो गया था और ऑन भी हो रहा है बड़ी चीज से तो ये पूछ रही है सर आप मेरे नोट्स में सारे नोट्स में सर ऑक्सीडेशन बनाना हाँ नेम से ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूला बनाना है ये कह रहे हो ना अब तो जाने जा सब सिंगर आ रहा है और ठीक है नाम से फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला से नाम नाम से रो किस पे डाउट है नाम से नाम से ये वाला जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का निकालना होता है ये वाला यही वाला ऊपर वाला नहीं यही वाला था जिसमें नाम से नाम ये वाला कौन सा है अच्छा ये वाला है 1.9.9.9.0 वाला यही वाला चलो ये करो सारे में ट्राई फर्स्ट 9.9 अरे काम पे हां मेटल के नीचे नंबर में मत लगा दो अच्छा देखो सबसे पहले मेटल लिखते हैं यस तो मेटल लिखा फिर मैंने लिखा टेट्रा अमाइन यानी NH3 कितना डाई एक्वा H2 माने ठीक है बस पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 अमोनिया का 0 वाटर का 0 तो ऊपर बचा हुआ रख देंगे क्या आया ठीक है और अब Cl का क्लोराइड जो मैं बताना चाहिए -1 ये -1 जाएगा ये 3 जाएगा इधर ठीक है समझ आया कर लेगा यार अभी हां नेक्स्ट हां सिक्स करो डाई एक्वा किस पे कह रहे ये वाली किस पे कह रहे ये सिक्स करो आयरन 3 देखो आयरन 3 तो Fe3+ जो गैप आ जाता है तो वो
दूसरा तब कॉम्प्लेक्स शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स गैप आना माना गैप माने ये काउंटर आएगा पर दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो एफ ई अलग ही हो गया, एफ ई के ऊपर 3 प्लस हो गया। अब हेक्सासाइनिडो फेरेट आयरन होता है, साइनिडो कितना 6। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स अनायन होता है तो फेरेट, अगर आगे होता तो आयरन, ये तुमने पढ़ लिया ना। अच्छा अब आयरन की कितनी गिवन है 2, इसमें कितनी गिवन है 2 और इसकी -6 हो गई, -1 × 6 बचा कितना -4, 4 इसके ऊपर आया और यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर 4 ऊपर, तो ये हो जाएगा Fe4 FeCN6 होल साइज, है ना। ठीक है समझ आया। नेक्स्ट अब हम आते हैं सरफेस केमिस्ट्री। नोट्स अगर होते प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता सर, 78 उसमें हमें या तो गिवन होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन तभी हो पाएगा, इसलिए तो सारे चीजें याद हो गई सर। कैटलिस्ट नहीं आ रहा ना, नहीं पूरा अच्छा इसमें से आ रहा हूँ। ठीक है, सिजर्स ऑप्शन के विद ऑप्शन बहुत इजी है, वो टेबल भी याद करना है, मैक्रो मॉलिक्यूलर मल्टी मॉलिक्यूलर फ्रेंडली साइज होता है। निशांत तुम्हें डाउट है ना इसमें? यस सर, हमारा इसमें भी ये भी फिजिकल ऑप्शन के विद ऑप्शन भी डाउट है ना, कोई बात नहीं। अभी कोलॉइड्स पहले समझ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल फिर से फिजिकल ऑप्शन के विद ऑप्शन। कोलॉइड्स, कोलॉइड्स हेटरोजेनस होता है, ठीक है, और पर ये सेटल नहीं करता। सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस होते हैं, वो सेटल नहीं करते। सस्पेंशन हेटरोजेनस होते हैं, वो सेटल कर जाते हैं। तीन चीजें होती हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। कोलॉइड की पार्टिकल रेंज है 1 नैनोमीटर to 1000। जो जो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ बस वही याद रखो, पहला हेटरोजेनस होता है, डज नॉट सेटल। दूसरा, इसमें कोलॉइड के पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए? 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने से कोलॉइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं। जो बस मार्क कर रहा हूँ बस वही लिखनी है। ठीक है, अच्छा क्लासिफाई कैसे करते हैं कोलॉइड को? देखो, जैसे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं। कोलॉइड में क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट का काम करता है, किसका काम करता है? सॉल्वेंट का, और डिस्पर्स फेज सॉल्यूट। तो डिस्पर्स फेज इज लाइक सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? वो सॉल्वेंट, मीडियम हमारे ज्यादा होता है, हाँ, तो पानी की तरह, तो सॉल्वेंट होता है और डिस्पर्स फेज सॉल्यूट होता है। ठीक है, अच्छा अब डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, दिस इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉलिड हो,
तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्व, क्या बोलते हैं सॉलिड सॉल्व। अच्छा अगर सॉलिड और लिक्विड हो इसका एक एग्जांपल और नाम याद कर सकते हो, सॉलिड 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 सॉल्व, सॉलिड लिक्विड सॉल्व, सॉलिड गैस एरोसॉल। गैस वाले दोनों एरोसॉल हैं, ठीक है, गैस वाले दोनों क्या है और सॉलिड वाले दोनों सॉलिड सॉल्व, तो ये दो चीजें तो याद ही रहेंगी, ठीक है। सॉल्व अगर अगर डिस्पर्शन मीडियम यानी सॉल्वेंट ही चली, अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो तो सॉलिड सॉल्व, नहीं दो है, सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड सॉल्व और गैस इन सॉलिड सॉलिड, ठीक है। अच्छा लिक्विड इन सॉलिड इज जेल, अच्छा गैस में कुछ भी हो तो एरोसॉल, चाहे सॉलिड इन गैस हो या लिक्विड इन गैस, वो दोनों है। हाँ क्या बोलो, क्या बताई थी तुमने? भाई सब बधाई थी मुझे यार, और वो क्या बनाया था बना कहा ये कुछ भी होता नहीं, नहीं कुछ बना तो है SS आखिरी क्लास है केमिस्ट्री की, सुष्मिता सेन सुष्मिता सेन के आगे अनुष्का सेन शर्मा अभी बताओ क्या मतलब है इसमें एस एस सॉलिड सॉल, हाँ सॉलिड सोल, ठीक है एस सोल एरोसोल जेल इमल्शन फिर एरोसोल, तो बस नाम ही याद हुए थे इसमें तो। अरे ये तो सब कहते ऑब्वियस है ना, सॉलिड 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 फिर लिक्विड लिक्विड गैस गैस फिर सॉलिड गैस सॉलिड गैस, अच्छा तो इसी ऑर्डर में। हाँ तो सॉलिड 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 ऐसे लिक्विड 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 गैस गैस फिर सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है ठीक है। तो मैंने इसके वगैरह रखे हैं, इसके उधर कैप्टन वाले ये कह रहे हैं कि देखो ना इस ऑर्डर को इसने याद किया, सुष्मिता सेन, ठीक है सुष्मिता सेन ये था सुष्मिता सेन, और के आगे अनुष्का शर्मा पे, और बाकी तुम यहाँ पे क्या करना सॉलिड 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 लिक्विड 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 गैस गैस, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड, ठीक है तो बन पाएगा, समझ आएगा। तो ये तो एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल में ये देखो सॉलिड और सॉलिड जो रिंग्स होती है हमारी वो जेमस्टोन्स जो होते हैं उनमें क्या है सॉलिड और सॉलिड के अंदर सॉलिड ही घुला हुआ है ना। अच्छा जो घर पे पेंट लगाते हैं वो क्या होता है सॉलिड होता है जो कि दीवार पे रह जाता है, और पहले किसमें आया था वो लिक्विड है, तो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल तुम्हें देखना होगा तो पेंट्स, ठीक है। अच्छा स्मोक हवा में मिट्टी होती है सॉलिड इन गैस, ठीक है, और चीज जो होगा लिक्विड इन सॉलिड, और बटर भी लिक्विड इन सॉलिड, ये क्या है तुम याद कर सकते हो चीज जो है वैसे सॉलिड फॉर्म है पर उसके अंदर ड्रॉपलेट दिखती है ना पानी पानी की या ऑयल की, तो ऐसे ही मिल्क में ऑयल की ड्रॉपलेट दिखती है, दूध में ऊपर से देखो लाइट के सामने तो ड्रॉपलेट दिखती है, वो पानी के अंदर ऑयल होता है, ठीक है, और लिक्विड गैस फॉग मिस्ट कैसे होता है एयर गैस के अंदर लिक्विड, ह्यूमस स्टोन होता है जिस और फोम रबर इन सब में क्या है सॉलिड के अंदर हवा भरी हुई है, सॉलिड के अंदर गैस, और जो फ्रॉथ और व्हिप क्रीम होती है वो लिक्विड के अंदर हवा भरी हुई। तो ये तीन चार पांच याद कर लेना एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर तुम बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ के जा रहे तो ये कर लो। एक्वासॉल और हाइड्रोसॉल होता है इसमें पानी पानी डिस्पर्शन मीडियम हो यानी सॉल्वेंट पानी हो वो एक्वासॉल, एल्कोसॉल क्या होता है इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम एल्कोहल। अच्छा नेक्स्ट क्लासिफाई कोलॉइड्स ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
लायो दो तरह के सॉल्व होते हैं, एक सॉल्वेंट लविंग एक सॉल्वेंट हेटिंग, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे से याद करो कौन सी चीजें पानी में डालते ही घुल जाती है जो सॉल्वेंट को पसंद करती है, जैसे गम जेलेटिन और स्टार्च और रबर। ठीक है, और कौन सी चीजें पानी में नहीं घुलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल्स और सल्फाइड्स। मेटल और सल्फाइड्स पानी में डालते हुए नहीं घुलते, तो ये क्या हुए लायोफोबिक। तो कौन से जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं लायोफिलिक, और कौन से मुश्किल से लायोफोबिक। कौन से जल्दी बनने के बाद टूटेंगे नहीं लायोफिलिक, तो दे कैन नॉट बी, और टूटेंगे तो बड़ी जल्दी वापस बन जाएंगे, तो ये हुए लायोफिलिक। गम को पानी में डाला, गम निकल गई, फिर से पानी में डाल दो, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे, रिवर्सिबल है। ये क्या है रिवर्सिबल, लायोफिलिक। ठीक है, और लायोफोबिक अगर एक बार सेपरेट हो गए, तुम्हें दिया कि ये सॉल्व क्या मेटल का है और उसमें मेटल बाहर आ गया, तो मेटल फिर से आसानी से अंदर नहीं जाएगा, इरिवर्सिबल सॉल्व, क्या कहलाते हैं इरिवर्सिबल। अच्छा, कौन से ज्यादा स्टेबल एंड कैन नॉट बी कॉगुलेटेड इजीली, जल्दी सेपरेट कौन नहीं होंगे, लायोफिलिक नहीं होंगे और लायोफोबिक बड़ी जल्दी सेपरेट करे जा सकते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसी पे हाइड्रो लगेगा आर्टिशूज रूल, अभी थोड़ी सी देर पे देखेंगे। कैसे सॉल को कॉगुलेट कर सकते हैं, जब दूसरे चार्ज का डाल दे, एक सॉल पॉजिटिव है तो नेगेटिव डाल दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव डाल दो, जब चार्ज हट जाएगा तो क्या हो जाएंगे कॉगुलेट। ठीक है, अच्छा प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह कौन काम आ सकते हैं, लायोफिलिक, और कौन किन को प्रोटेक्शन चाहिए, लायोफोबिक, जो डरते हैं सॉल। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, तीन तरह की कोलॉइड्स होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड। मल्टी मॉलिक्यूलर है, देखो कोलॉइडल रेंज कितनी थी, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में एक ही बड़ा मॉलिक्यूल आ जाता है, एक ही बड़ा मॉलिक्यूल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, तो बड़ा मॉलिक्यूल यानी मैक्रोमोल। ऐसे कौन होते हैं, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। हमने बायोमोलिक्यूल दिया था, बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, वो सारे कोलॉइडल रेंज में खुद ही होते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई एक स्पीशी ना आ पाए पर उसका बहुत सारे मिला के आ जाए, 1000 सॉल्यूशन रेंज में 1 नैनोमीटर से बहुत कम है, पर 1000 ऐसे पार्टिकल ले लो तो वो आ जाएंगे, तो मल्टी यानी बहुत सारे, तो बहुत सारे मिला के आएंगे तो वो कहलाएगा मल्टी मॉलिक्यूल, अगर एक ही आ जाए तो मैक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, एसोसिएटेड लो कंसेंट्रेशन में सोल्यूशन का काम करते हैं, कैसे, लो कंसेंट्रेशन में वो सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और जब कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो एसोसिएट होकर कोलॉइड बन जाते हैं। तो ये वाली बात याद रखो, मल्टी मॉलिक्यूलर के साथ ऐसा नहीं है, मल्टी मॉलिक्यूलर लो कंसेंट्रेशन में सोल्यूशन नहीं रहते, घुलते नहीं है यूजुअली, और एसोसिएटेड लो कंसेंट्रेशन में सोल्यूशन दिखते हैं और हाई कंसेंट्रेशन में कोलॉइड। तो क्या, हाँ सोप, और इसके अंदर दो चीजें याद रखनी, ट्रैप टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। जिस कंसेंट्रेशन से ऊपर सॉल बनता है या फिर कोलॉइड बनता है वो कहलाती है क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन। जैसे 10 ग्राम में नहीं बना सॉल, 50 में नहीं बना, 100 में बना, तो 100 मेरी सीएमसी होगी, क्या हुई, उससे नीचे वो सोल्यूशन था। हाँ खुशी कलर सोल्यूशन सोल्यूशन, ठीक है, और हाई पे कोलॉइड, और कोई टेम्परेचर भी होता है मिनिमम टेम्परेचर जिससे नीचे कोलॉइड नहीं बनता, वो कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। ये बात क्लियर है सबको। अच्छा, डिटर्जेंट्स की सीएमसी होती है 10^-4, क्या होती है, और मिसेल का स्ट्रक्चर कैसे, देखो सोप का एग्जांपल है सोडियम स्टीरेट और सोडियम लोराइल सल्फेट। हाँ बोलो, कोलॉइड बनेगा वो प्राप्त, और मिनिमम कंसेंट्रेशन जिसे बनेगी वो भी सीएमसी। अच्छा, इनके अंदर सोप्स के अंदर एक लॉन्ग चेन होती है जो कि एल्केन की होती है, लॉन्ग चेन किसकी होती है, तो ये लॉन्ग चेन कहलाती है फैटी एसिड की, और इनके अंदर एक पोलर ग्रुप होता है, पोलर माने जिनमें FO इनमें से आ रहे हो, तुम्हें याद है पोलैरिटी, तो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी जिसके अंदर FO आ रहे, ये वाला हाइड्रोफिलिक है क्योंकि लाइट डिसॉल्व्स लाइट हमने पढ़ा है ना, तो ये हाइड्रोफिलिक है, पानी में आसानी से डिसॉल्व होता है क्योंकि पानी भी आयनिक है और ये भी आयनिक है,
पर ये वाला सारा नॉन आयनिक है और ये सारा का सारा हाइड्रोजन बॉन्ड पे हमने अमीन में सुबह पढ़ा है, इतना बड़ा ग्रुप होता है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने नहीं देता पानी में, राइट। तो ये बड़ा सा कार्बन की चेन हाइड्रोफोबिक है, ये क्या है हाइड्रो, तो ये ऐसे सॉलिड में लायोफिलिक पार्ट भी है और लायोफोबिक पार्ट भी है, वो कौन से एसोसिएट, ठीक है। अच्छा एसोसिएटेड कोलॉइड इसका एग्जांपल है मिथाइल, ठीक है। अच्छा जब पानी की कंसेंट्रेशन कम होती है तो ये कैसे बिहेव करते हैं एज सॉल्यूशन, और जब पानी कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो ये नीचे आ जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं और नीचे आके हाइड्रोफिलिक अंदर या बाहर, हाइड्रोफिलिक बाहर पानी की तरफ हाइड्रोफिलिक रहेगा और हाइड्रोफोबिक छुप के अंदर चला जाता है, तो इस केस में मिसेल बन जाती है, मिसेल जो ऑयल ड्रॉप को ट्रैप और अगर हम उसको रब करेंगे तो ये ऑयल ड्रॉप को पानी में रहेंगे तो कपड़े साफ हो जाएंगे, ये क्लियर है भाई। डिटर्जेंट एंड सोप्स सोडियम लॉराइड सल्फेट और सोडियम सिलेट का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, ये चार पांच रिएक्शन याद करनी है, लिखना जरा दो बार, मैं भी बेस्ट करूं माइंड, लिखो चार बार ये रिएक्शन। डबलडी कंपोजिशन से कौन सी है, ऑक्सीडेशन की कौन सी है, रिडक्शन कौन सी है, जिससे फॉल बनता है हाइड्रोलिसिस कौन सी है। हाइड्रोलाइजेशन मतलब पानी डालना, और इसको तुम याद कर सकते हो बस कैसे। अच्छा मैं उल्लू बनता हूँ जैसे सर। अरे इधर देखिए, इसमें सुनो मेरी बात, HCHO मीथेनल है और जब वो खुद ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनता है ना, हैलाइड का ऑक्सीडाइज हो गया बनता है, हैलाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनता है, पर हमारा तो सॉल्व बनाना है, हम ऑर्गेनिक में थोड़ी है, अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा है, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन, AU क्या हो गया, ठीक है समझ में आया। बात एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनेगा तो HCHO बन जाएगा HCOH और AuCl3 को AU का सॉल्व बना देगा, गोल्ड का सॉल्व कैसे बनता है पूछ लिया तो ये रिएक्शन निकलेगी, ठीक है। और बाकी क्या बच गया, HCl निकल गया, जो Cl निकला किस फॉर्म में, अच्छा SO2 में H2S में सल्फर -2 में है और S में वो जीरो पे आ जाता है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन है, ये इसकी क्या है ऑक्सीडेशन, इसको तो कर रहा है, इसको ऐसे ही लर्न कर लो, ठीक है। अच्छा AH2O3 ऑक्सीजन की जगह सल्फर सेम ही होता है ना, सेम ग्रुप का मेंबर, तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले सकता हूँ और सल्फर की जगह ऑक्सीजन H2O बना देंगे और SO2 डाल देंगे, कुछ बैलेंसिंग में कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, AH2O3 और H2S बनाएगा AH2O3 बन जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालना, पानी डालो FeCl3 HCl बनाएगा, OH बने। चलो लेबल रिएक्शन, अच्छा हो गई पक्का, यस एक बार लिख दी, एक बार लिख दी, वो तो जीरो बना है, एक बार लिख दी, वो अपूर्व कहाँ गया,
अब वो पढ़ना शुरू करेगा देखना अच्छा देखो इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं ऐसे मेटल की जो अनरिएक्टिव हो जैसे प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर क्वेश्चन आता है कि इनका नोबल मेटल का सॉल कैसे बनाएंगे क्या ये पानी में घुल जाएंगे या ये क्लोराइड बनाएंगे तो हम इनकी रॉड्स बनाते हैं और इन रॉड से बहुत ज्यादा करंट पास कराते हैं इतना ज्यादा करंट पास कराते हैं कि एक सेकेंड के लिए या एक मिली इतने हाई टेम्परेचर पे जो गोल्ड प्लैटिनम है जो वैसे रिएक्ट नहीं करते वो गैस बन जाएंगे क्या बन जाएंगे गैस और गैस बनते ही ये पानी में आएंगे और पानी बहुत सारा है तो ये कंडेंस हो जाएंगे क्या बनेंगे तो जो रॉड है वो टूटती जाएगी और वो कोलोइडल रेंज में नीचे आती जाएगी तो प्लैटिनम का सॉल्व बनाने के लिए प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड में करंट पास कराओ वो जल्दी से उसका सॉल्व बन जाए समझ में आई बात और फिर ये कंडेंस होकर कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं बोलो रॉड्स बनाएंगे रॉड्स प्लैटिनम की गोल्ड की ऐसी चीजों की और इनपे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पास कराएंगे जैसे वोल्टेज पास कराएंगे तो इनके जो पार्टिकल्स हैं रॉड्स टूटती जाएंगी और वो नीचे कोलोइडल रेंज में आ जाएंगे पहले वो मेटल गैस बनता है फिर वो कंडेंस होता है मेटल सॉलिड से मेटल गैस बनता है और फिर मेटल सॉलिड से कंडेंस होता है एम सॉल स्टेट में आ जाता है इसमें आ जाता है तो पहले वाले पहले इसमें डिस्पर्शन होता है फिर इसमें कंडेंस इसे बोलते हैं ब्रेडिंग ठीक है क्लियर है क्वेश्चन याद है गोल्ड का सॉल कैसे बनाओगे वैसे एक तरीका ऊपर भी सीखा हमने गोल्ड का सॉल ऐसे बन सकता और दूसरा ये तरीका है अगर आगे गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर का कैसे बनाएंगे तो ब्रेड एग्जाम कर सकते हैं ओके क्लियर है भाई हाँ एक्सप्लेन कर रही है तीन चार पॉइंट लिखे हैं सारे नोट्स है ना सबके पास पेप्टाइजेशन का मतलब होता है ये एक सॉल है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में आया था सॉलिड मैं इसका बनाना चाहता हूँ सॉल इसका क्वेश्चन आता है हाउ वुड यू प्रिपेयर अ सॉल फॉर अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट पेप्टाइजेशन नाम में लिखा है प्रेसिपिटेट का क्या होगा पेप्टाइजेशन इसमें हम एक प्रेसिपिटेट को एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं जिसमें वो घुलता हो या जिसका चार्ज उसके ऊपर आ रहा है और फिर उसको डिस्पोजल मीडियम में डालते हैं मतलब अगर डिस्पोजल मीडियम में को डायरेक्ट डालूंगा तो नहीं चलेगा तो पहले उसे थोड़ा सा धोखा देते हैं धोखा क्यों देते हैं ताकि उसके ऊपर एक चार्ज की लेयर आ जाए और वो किसकी होती है पेप्टाइजिंग एजेंट की किसकी पेप्टाइजिंग एजेंट तो पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है प्रेसिपिटेट के पार्टिकल के ऊपर चार्ज ले आता है एंड चार्ज चीजों को दूर रखता है चार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या रखता है दूर सब पे नेगेटिव या पॉजिटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा और नेगेटिव या पॉजिटिव की वजह से वो दूर रहेंगे तो पास नहीं आएंगे तो ये है पेप्टाइजेशन समझ आया हाँ पेप्टाइजेशन ठीक है क्वेश्चन आएगा हाउ वी प्रिपेयर सॉल्व फॉर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट ये भी आ जाता है तो पेप्टाइजिंग एजेंट गेट एब्जॉर्ब एंड ब्रिंग चार्ज ऑन द कोलॉइड व्हिच डू नॉट लेट देम व्हिच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉलर क्लियर है भाई नेक्स्ट What is the need of purification of colloid? Colloid को pure क्यों करना है? क्योंकि इतने सारे method थे जिसमें बहुत सारी impurities थी इन सब reaction में जो सॉल है उसके साथ साथ कुछ कुछ फालतू की चीजें भी चल रही है बीच में
और सारी इम्प्योरिटीज ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, दूसरा यही मेथड को हम इलेक्ट्रोड्स लगा के पास कर सकते। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड लगाने से जो नेगेटिव इम्प्योरिटी है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, जो पॉजिटिव इम्प्योरिटी है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, और ये प्रोसेस फास्ट होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, ये मेम्ब्रेन किसकी बनाई जाती है, एनिमल ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायलिसिस भी हो गया। इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है। चार्जन कोलाइड। अच्छा सुनो मेरी बात, कोलाइड्स जो है अभी हमने देखा था पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है, कोलाइड्स से क्या ले आता है चार्ज, और एक चार्ज दूसरे कोलाइड पार्टिकल को दूर रखता है, क्या रखता है दूर। तो चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द सॉल्ट स्टेबल। सॉल्ट तभी स्टेबल रहता है जब उस पर चार्ज रहेगा, और चार्ज हट गया तो वो अनस्टेबल। कौन कौन से पॉजिटिवली चार्ज है, कौन से नेगेटिवली चार्ज। हाँ कोई तरीका। अच्छा देखो, मेटल्स जो होते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा ही हो जाता है, मेटल्स वैसे यूजुअली पॉजिटिव हो जाते हैं, मेटल्स क्या हो जाते हैं, पर उनका उल्टा है, मेटल्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे, नेगेटिवली चार्ज। मेटल के ऊपर नॉन मेटल लगा दो, मेटल हाइड्रोक्साइड बना दो तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल के ऊपर हाइड्रोक्साइड लगा दे तो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, बेसिस पॉजिटिव लगते हैं, एसिड्स नेगेटिव लगते हैं। बेसिक डाइज पॉजिटिव और एसिडिक नेगेटिव। ठीक है, अच्छा मेटल की सल्फाइड्स नेगेटिव, ऑक्साइड्स। ठीक है, और स्टार्च गम जेलेटिन ये सारे जो हमने पढ़े थे, जो लायोफिलिक है वो सारे किसमें है, नेगेटिव डिस्चार्ज। अच्छा ऑक्साइड्स पॉजिटिव, सल्फाइड मेटल्स नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड्स एसिड्स एसिड डाइज नेगेटिव और बेसिक। ठीक है, अच्छा आज देखिए, अब अगर सॉल पे एक चार्ज है, सॉल पे एक चार्ज है तो उस पे क्या होता है, दूसरा चार्ज भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में होता है। देखो मेरी बात सुनो, ये सुबह जो मैं पढ़ाते हैं वही है। अगर हम देखो AgNO3 को KI में डालते हैं, किसको, AgNO3 को KI, या तो इसको याद कर लो या समझना है। अच्छा AgNO3 को KI में डालें या KI को AgNO3 में डालें, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन तो यही होगी, AgNO3 प्लस KI गिव AgI सॉल प्लस KNO3 एक्वस। ठीक है, K2। हाँ अच्छा, तो हमेशा AgI तो सॉल ही बनेगा, चाहे तुम इसको उसमें डालो या उसको इसमें डालो, बनेगा क्या, AgI। अब AgI का जो सॉल है उसका पार्टिकल, ये AgI का पार्टिकल है, किसका है, यूजुअली जो चीज एक्सेस में होती है, नीचे क्या लिया था हमने AgNO3। ठीक है, जो नीचे वाला है वो ज्यादा होता है और ऊपर वाला हम ड्रॉप ड्रॉप डालते हैं, ऊपर वाला कैसे डालेंगे ड्रॉप ड्रॉप, तो ये कम है और ये एक्सेस है, ये क्या है, तो उस वो वाला कोलॉइड पेपर वो वाला पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है जो कॉमन हो, क्या हो, कॉमन। अच्छा AgI के ऊपर नीचे एक्सेस में कौन है, Ag, तो इसके ऊपर Ag एब्जॉर्ब होगा, क्या एब्जॉर्ब होगा, तो ये कैसा सॉल्व बनेगा, पॉजिटिव। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, AgI / Ag। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, हाँ बोलो, नीचे AgNO3 था ना एक्सेस में, AgI तो बन रही है दोनों केसेस में, AgI में से Ag प्लस पार्टिकल किसका बना, AgI का, किसका, KI और Ag।
अच्छा एक्सेस में कौन सा है एजी एनओ थ्री, या तो एजी प्लस एक्सॉर्ब हो सकते हैं एनओ थ्री माइनस, एनओ थ्री माइनस कॉमन है एजीआई के लिए या एजी एनओ थ्री, एजीआई किसको जानता है एजी प्लस को या एनओ थ्री को, एजी प्लस को क्योंकि उसके अंदर खुद क्या है एजी, तो ये एजी को प्रेफर करता है जो उसके अंदर होता है उसी को प्रेफर करता है, तो ये किसको एब्जॉर्ब कर लेगा एजी प्लस, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन व्हिच इज कॉमन टेक्स प्लेस, ठीक है। और अगर उल्टा करते तो नीचे के आई होता यस और नो, नीचे क्या होता के आई और ऊपर क्या होता एजी एनओ थ्री, पार्टिकल तो फिर भी एजी आई का बनता, किसका बनता अच्छा, और के प्लस और आई माइनस किसे कॉमन किया इसके लिए डिमांड के प्लस आई माइनस, आई माइनस तो ये आई माइनस पे होगा फिर नेगेटिव भी चला, हां हाँ नीचे वाले का जो एक्सेस, हाँ दो ही केस में, एक तो ये और दूसरा सेरिफाइड ऑप्शन के आई सॉल्व नहीं होता वो सही, के आई तो बना ही नहीं ना, रिएक्शन देख अभी कर रही थी रिएक्शन में तो हाँ के एन थ्री बनता है वो एक्वस होता है सॉल्व आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दूसरा एक और ऐसी एग्जांपल है, अगर हमने Fe2O3 अच्छा FeCl3 plus NaOH डाला, क्या डाला FeCl3 और NaOH डाला, तो हमारा सॉल्व बनता है Fe2O3 dot XH2O हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और इसके ऊपर आ जाता है OH minus एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये बनाता है नेगेटिव सॉल्व, कैसा बनाता है और दूसरा तरीका क्या है वो कैसे बनता है हाँ। अच्छा दूसरे केस में FeCl3 को हॉट वाटर में डालते हैं, किस पे डालते हैं FeCl3 प्लस हॉट वाटर, तो भी यही सॉल्व बनता है पर इसमें कौन एड्सॉर्ब होता है Fe3 प्लस, तो ये कौन सा सॉल्व बनाता है तो याद रखेंगे ये या समझाऊंगा तो फिर लंबा रहेगा, याद रहेगा NaOH के साथ OH माइनस, NaOH तो OH है NaOH नहीं है तो OH माइनस नहीं है तो पॉजिटिव, और ये समझाओ देखना NaOH बेसिक है ना तो OH माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो OH माइनस क्या है नेगेटिव है OH माइनस किधर पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा हुआ मैंने उल्टा कर ऐसे कैसे हो सकता है OH माइनस नहीं ना, ये तो लिखा है FeCl3 NaOH के साथ बनाते हैं नेगेटिव, ठीक है तूने गलत लिखा होगा फिर देखो सुनो 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 अच्छा वो वाले टेबल्स देख लिए पीछे वाले टेबल से वो तो जनरल फॉर केस है और ये एक्सेप्शन पे मतलब वो वैसे हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं ऑक्साइड्स नेगेटिव होते हैं पर यहाँ पे पॉजिटिव भी बन सकता है जब केसेस डिफर करता है वो जनरल केस है उनको छोड़ो वो डिटेल में इतना पढ़ने नहीं है याद ही नहीं करना ये कर ये क्वेश्चन है ठीक है इसमें याद हो गया NaOH है तो OH- जाएगा तो नेगेटिव OH- नहीं है तो मेटल ज्यादा होगा तो पॉजिटिव ठीक है अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अच्छा एक लेयर आ गई सपोज एजीआई के ऊपर आई माइनस आ गई थी क्या आई थी आई माइनस अच्छा एजीआई के ऊपर जब आई माइनस आई थी तो उसके बाद नीचे क्या बचा था के देखो मेरी बात सुनो एजीआई के ऊपर आई आ गया था क्या आया था इसमें क्या आया था AgI के ऊपर Ag+ क्या आया था Ag+ और दूसरा आयन क्या बचा तो एक और लेयर बनती है Ag+ के ऊपर देखो एक सॉल के ऊपर पहली लेयर जैसे AgI का सॉल है तो पहली लेयर किसकी बनी और जो दूसरी लेयर बनेगी वो ज्यादा वाले आयन की बनेगी वो पहली वाली लेयर को बोलते हैं फिक्स लेयर क्या बोलते हैं
और दूसरी लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, क्योंकि फिक्स लेयर कहीं नहीं जाती, डिफ्यूज लेयर आती जाती रहती है। ठीक है, पहली लेयर जो है एब्जॉर्ब होती है फिक्स लेयर, दूसरी लेयर एब्जॉर्ब नहीं होती। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? और इस फिनोमेना को अगर तुम एक्सप्लेन कर दो तो वो कहलाएगा हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर फिनोमेना। क्या बोलेंगे? हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फिनोमेना। ठीक है, अच्छा अच्छा, इधर देखो, इधर क्या बना था? ए जी आई के ऊपर क्या आया था? ठीक है, एजीआई के ऊपर जब आई माइनस आया था तो नीचे सॉल्यूशन में क्या बचा था? ए प्लस। तो इसके ऊपर एक और लेयर आ थी, तो ये इसकी फिक्स लेयर, ये इसकी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर फिनोमेना। नेक्स्ट, हार्ट इश्यूज रूल। अच्छा, कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, इसमें दो रॉड्स लगाते हैं और कोलॉइड पहुंचता है दूसरी जगह, अपना चार्ज खो देता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे जाके अपना चार्ज खो देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास जाके अपना चार्ज खो देगा। तो इन एनी केस चार्ज आने पे है ना, उससे टकराएंगे, टकरा के चार्ज करेंगे। तो दूसरा सॉल डाल दो, अगर नेगेटिव सॉल है तो उसमें कनिष्ठ का पॉजिटिव डाल दो, पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव डाल दो, तो चार्ज चला जाएगा। ठीक है, और अगर तुम उल्टा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, अगर नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव वाले आयन डाल दो या फिर डाल दो। क्या चीज ये? नेगेटिव है तो पॉजिटिव की साइड, पॉजिटिव है यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव बनाया तो पॉजिटिव की साइड ले जाओ। अच्छा नेक्स्ट, तो व्हाट आर दी वेज ऑफ प्रेसिपिटेटिंग अ सॉल्ट ईच ईयर? बॉइलिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, परसिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस बहुत बार करते रहो, सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जो चार्ज देते हैं वो भी चले जाएंगे, तो रहेगा पॉपुलेट हो जाएगा। अब आते हैं हार्ट इश्यू। देखो मेरी बात सुनो, ये सॉल है पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है, ये सपोज ये सॉल है पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस किसकी कम से कम अमाउंट पे ज्यादा ज्यादा फॉर्मेशन करेगा? वो चार बार उससे ज्यादा पावरफुल है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फॉर्मेशन। अगर सपोज ये नेगेटिव सॉल होता, क्या होता? नेगेटिव सॉल्व। तो नेगेटिव सॉल्व के लिए पॉजिटिव आयन डालते हैं, तो कौन सा बेटर होगा, Al3+ Ba2+ या Na+? Al3+। बस हार्ट इश्यूज रूल कहते हैं जितनी पावर, जितना जितना कोगुलेशन, जितना चार्ज उतना पावर कोगुलेशन। अब कोगुलेशन वैल्यू भी एक टर्म है, ये उल्टी होती है, कोगुलेशन वैल्यू कोगुलेशन पावर का उल्टा है। देखो जिसकी पावर ज्यादा है उसका अमाउंट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा कोगुलेट करने में? जिसकी पावर ज्यादा उसकी वैल्यू होगी कम, और जिसकी पावर कम उसकी वैल्यू ज्यादा। मतलब जितना कम से कम चाहिए कोगुलेट कराने के लिए विद इन एक लीटर में विद इन टू आवर्स इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। जितनी कम से कम कंसेंट्रेशन में कोगुलेशन हो जाए एक लीटर सॉल का इन टू आवर्स, दिस इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। The greater the power, greater the cost to, हाँ। तो coagulating values का अलग होता है, ये बात याद रखनी है। Last topic, lyophilic और lyophobic में से किसको precipitate करना आसान था? Phobic को। Phobic में सिर्फ charge stabilize करता है, lyophobic में क्या होता है? और lyophilic में solvation भी होता है। तो अगर तुम lyophilic, lyophobic को हटाना चाहते हो तो ऊपर वाले चार में सकते हो, कौन कौन से? डायलिसिस, बॉइलिंग, इलेक्ट्रोडायलिसिस और इलेक्ट्रोलाइट एक्टर। पर जब तुम लायोफिलिक को हटाना चाहते हो तो चार्ज हटाने के ऊपर वाले इफेक्ट्स प्लस सॉल्वेशन को हटाने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट डालो जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, और या कोई ऐसा सॉल्वेंट डालो जिससे, नहीं इलेक्ट्रोलाइट तो चार्ज हटाएगा और सॉल्वेंट ऐसा डालो जिसमें वो सॉल्युबल ना हो तो उसकी सॉल्वेशन कम हो जाएगी, क्योंकि घुला मिला ज्यादा हुआ है ना लायोफिलिक वाला, उसको सॉल्वेंट पसंद है, उसको घुलना मिलना नहीं कम करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके अंदर सॉल्वेंट भी डाल देंगे तो इससे उसकी सॉल्वेशन भी कम हो जाएगी,
तब ये प्रेसिपिटेट होगा, अदरवाइज ऊपर वाले में तक सिर्फ लायोफोबिक थे, लायोफिलिक में एक स्टेप एक्स्ट्रा था जिसकी सॉल्वेशन भी हटानी है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वो कम सॉल्व। ठीक है बोला, नेक्स्ट बस खत्म। इमर्शन तो आएगा नहीं है एप्लीकेशन ऑफ क्लोराइड भी नहीं आना चाहिए, इमर्शन की बात है ना, तो इतना हमें करना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ क्लोराइड छोड़ दो, वो तो आते हैं पर पिछले साल आते थे ना, इस साल से कौन सा चैम्बर पेपर है। अब अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम पढ़ लेना एप्लीकेशन, आपके जेई क्लास।